टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया दक्षिण पंचायत में बलिया के पूर्व उप प्रमुख मशकूर आलम का दबंगई उस समय देखने को मिला जब लॉकडाउन में बड़ी बलिया जामा मस्जिद के मोजीन मुश्ताक अहमद के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मोजीन की 55 वर्षीय पत्नी नुसरत जहां, 15 वर्षीय पुत्री इशरत जहां और 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुजमिल, 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मेराज गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व उप प्रमुख मशकूर आलम मुजीन मुश्ताक अहमद के घर की दीवार को तोड़कर घर बना रहा था। जब उसका विरोध मोजीन ने किया तो पूर्व उप प्रमुख के हामियों ने उसके परिवार को लाठी डंडा और लोहे की रॉड से पीट दिया, जिसमें मोजीन के 4 सदस्य बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी इलाज बलिया के सरकारी अस्पताल में चल रही है। घटना स्थल पर बलिया थाने की पुलिस पहुंचकर जांच की, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे दबंगों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। मोजीन की पत्नी नुसरत जहां ने बताया कि पूर्व उप प्रमुख अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो किसी समय मेरे परिवार को जान से मार सकता है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जान बचाने की गुहार लगाती नजर आ रही है। फिलहाल मोजीन का परिवार भय के माहौल में जीने को बेबस है। वो मेरा एक दीवार है, उस दीवार के जहाँ से दीवार तक, वो दीवार को तोड़ के वो अपना जमीन देना चाहते हैं। मेरा बोलना है कि जहाँ से वो घर तोड़े हैं वहीं से बनाइए, लेकिन वो लोग जबरदस्ती करके 10 आदमी को भेजते हैं, मारते हैं, लड़ाई करते हैं, उसके बाद जब नहीं कुछ होता है तो फिर जबरदस्ती करते हैं कि हम करवे करेंगे। आज क्या हुआ आपके साथ? आज यही हुआ कि मेरी मम्मी सुबह में, वो लोग घर बन रहा था तो मेरी मम्मी बोलने के लिए गए कि आप ये दीवार घेरिएगा नहीं जो खोल के रखे हैं, तो वो बोला कि नहीं नहीं करेंगे, तुम जो करना कर लो। फिर उसके बाद 10 आदमी आया और मुझे मारा, मेरी मम्मी को, अभी क्या नाम है, इमरजेंसी वार्ड में है, उसके बाद मेरे भाई को, मेरे पापा को, सबको मारा पकड़ के। और जब 10 आदमी आके 10-20 आदमी, और लॉकडाउन में एकदम काम करा रहा है, जो करना करो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद मेराज अहमद। और आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी के नाम मुश्ताक अहमद। घर बड़ी बलिया, घर बड़ी बलिया। इस बात की जानकारी बलिया थाना को दिए हैं? जी, बलिया थाना को दिए थे। पहुंचे थे या नहीं? जी, बलिया थाना पहुंचे थे, वो बोले आवेदन लिख के अभी लेके जाना, इमरजेंसी वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड से मम्मी को लेके जाके आवेदन लिखे।